जयपुर के चाकसू से बड़ी खबर, गैस से भरा कैप्सूल टैंकर बेकाबू होकर पलटा। NH 12 पर 20 डिवाइडर पर पलटा कैप्सूल टैंकर। रिसोर्ट के सामने कोतू निवाई सीमा पर हुआ हादसा। घटना के बाद टैंकर में गैस का तेजी से रिसाव हुआ शुरू। मौके पर पहुंची पुलिस व आसपास के लोगों का लगा जमवाड़ा। जानकारी के मुताबिक टैंकर से भरी हुई थी ऑक्सीजन गैस। जयपुर जिले के चाकसू थाना क्षेत्र में गैस से भरा कैप्सूल टैंकर बेकाबू होकर हाईवे पर पलटा। टैंकर पलटने से हाईवे पर जाम लग गया, वहीं गैस का रिसाव होने लगा। जहां सूचना पर पुलिस व दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, जब तक कंपनी अधिकारी नहीं आए तब तक दमकल कर्मी टैंकर पर पानी डालते रहे। गैस का रिसाव होने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई और सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए। जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया कि NH 12 स्थित एक रिसोर्ट के सामने कोतू निवाई सीमा पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर ऑक्सीजन गैस से भरा टैंकर पलट गया। टैंकर फटने से टैंकर में रिसाव चालू हो गया और गैस निकलने लगी। जैसे ही गैस रिसाव की सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची, दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया। बताया जा रहा है कि टैंकर में ऑक्सीजन गैस भरी हुई थी। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, वहीं कुछ घंटों के लिए हाईवे को डाइवर्ट किया गया। जब तक कंपनी कर्मी मौके पर नहीं पहुंचे तब तक लोगों की सांसें अटकी रही। वहीं कंपनी कर्मियों के आने के बाद दूसरे टैंकर में गैस को शिफ्ट किया गया।